कुछ मांगे बच्चों के लिए, खुशी मांगे हैं अपने बच्चों के लिए। हाँ हो गया भाई साहब, बहुत अच्छा हुआ। ना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, इतना बेहतरीन लगा कि बहुत कम्फर्टेबल फील कर रहे हैं। पूजा हो गया? हाँ हाँ हो गया। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार का नया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा से मान रहे हैं हम लोग जी। कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा में भी अच्छा लग रहा है। माँ का आशीर्वाद से सारा चीज़ अच्छा खासा चल रहे हैं, और माँ का आशीर्वाद है तो और अच्छा चलेंगे। सुखी रहें, सबका कारोबार मान सम्मान, बच्चों का पढ़ाई लिखाई उत्तरोत्तर विकसित होता रहे। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शुरू कर दिया प्रकाशन लाइव के डिजिटल फॉर्म पे आपका स्वागत है। वही आपको बता दें कि 2023 खत्म होने के बाद आज से जो है 2024 शुरुआत हो गई है। ऐसे में हम माँ छिन्नमस्ता देवी मंदिर में है, जहाँ पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं काफ़ी संख्या में दूर दराज से लोग पहुंचकर यहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। और देख सकते हैं तमाम जो है भक्तों में जो है काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। वही आपको बता दें कि माँ छिन्नमस्ता देवी मंदिर प्रशासन के तरफ से बैरिकेटिंग भी की गई हुई है, और तमाम जो भक्त है कतारबद्ध होकर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी युवा है, सुबह से ही आए हुए पूजा करने। क्या कहिए, कैसे नया साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं? अच्छा है, बहुत अच्छे से नया साल मंदिर में आए हैं, अच्छा लग रहा है बहुत सा। कहाँ से? कोठियाराम मेसी थाना हुआ। हाँ क्या कहेंगे भाई साहब, कैसे नया साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार मंदिर से? जय माता दी, सबके जीवन में माता रानी खुशहाली लाए, यही शुभकामना सब किसी को। और देख सकते हैं तमाम जो भक्त हैं लगातार जो है पहुंच रहे हैं, और यहाँ का तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड से, जहाँ पे सभी लोग जो है पूजा पाठ करके बाहर निकल रहे हैं। और देख सकते हैं भगवान का आशीर्वाद लेकर जो है यहाँ से निकल रहे हैं। और यहाँ का खास बात यह है कि मंदिर प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पर प्रशासन भी नियुक्त की गई है, गार्ड को नियुक्त किया गया है, ताकि कोई जो है कोई यहाँ पर असुविधा न हो भक्तगणों का। और देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं सभी लोग पूजा करके आ गए हैं। मैम पूजा हो? हाँ हो गया। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार का नया? बहुत अच्छा से, बहुत अच्छा। हाँ से क्या कुछ मांगे? बच्चों के लिए खुशी मांगे हैं अपने बच्चों के लिए। हाँ हो गया भाई साहब, बहुत अच्छा हुआ। ना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, इतना बेहतरीन लगा कि बहुत कम्फर्टेबल फील कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले भी आप यहाँ पे आए थे कि पहला बार आए? नहीं, बहुत बार आ चुका हूँ, मतलब कि बहुत दूर से भी आए हैं, मतलब कि मैं मोतीपुर से आया हूँ यहाँ पूजा करने के लिए। हर एक साल आती हूँ और हर एक शुभ अवसर पे आते हैं पूजा करने के लिए। देख सकते हैं तमाम जो भक्त हैं लगातार आ रहे हैं। और यहाँ पर जो खास बात यह है कि यहाँ पर जो पूजा पाठ करने के बाद जो है सभी लोग जो है सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं, ये सब जाने गए। पूजा हो गई? हाँ हाँ हो गया। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार का नया? बहुत अच्छा। क्या कहेंगे? जी भैया हो गया। कितना अच्छा लग, बहुत बढ़िया लग रहा है। ठंड में भी आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं? जी जरूरी है। देख सकते हैं लगातार जो है सभी लोग आ रहे हैं, और अभी आपको तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं। क्या कहेंगे, नया साल कैसे? बहुत अच्छा से मान रहे हैं हम लोग जी। कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा में भी अच्छा लग रहा है। माँ का आशीर्वाद से सारा चीज़ अच्छा खासा चल रहे हैं, और माँ का आशीर्वाद है तो और अच्छा चलेंगे। क्या कहेंगे, कितना? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हो गया, बहुत अच्छा से। देख सकते हैं तमाम जो है लगातार सभी श्रद्धालु पूजा पाठ करने के बाद जो है अब जा रहे हैं, और तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं माँ छिन्नमस्ता देवी मंदिर के पास से, जहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो भक्त है आज नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि माँ छिन्नमस्ता देवी मंदिर पे काफ़ी दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। और आप तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं, वही यहाँ का जो प्रधान पुजारी हैं आनंद प्रियदर्शी बाबा, इनसे भी बात करेंगे कि क्या आज नए साल के दिन जो है कितना अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे, क्या कुछ संदेश रहेगा, क्या कहेंगे बाबा? नए साल के लिए तमाम श्रद्धालु भक्त जो भगवती छिन्नमस्ता के दर्शन करने आए हैं या न भी आए हों, सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सबका कारोबार मान सम्मान, बच्चों का पढ़ाई लिखाई उत्तरोत्तर विकसित होता रहे, यही मेरी शुभकामना है पूरे मानव समाज के लिए। हर जीव जंतु एक दूसरे से प्यार करें, सुख शांति से रहें, हमारा देश में किसी प्रकार का कलह कलेश आपसी वैमनस न फैले, यही मेरी सारे मानव समाज से अपना अनुरोध है, प्रार्थना है कि मिलजुल कर करके रहें, अपने देश के विकास के प्रति सभी लोग सजग और समर्पित रहें। प्रशासन का कितना आपको जो है यहाँ पर मिल रहा है, क्या कुछ है प्रशासन के द्वारा किया गया है? प्रशासन की ओर से एकदम उचित व्यवस्था की गई है, हमारे ट्रैफिक पुलिस भी जो है डीएसपी कल आए थे, और थाना प्रभारी की ओर से भी
काफ़ी व्यवस्था है और अपना ओर से भी सिक्योरिटी गार्ड की काफ़ी व्यवस्था की गई है। इस बार काफ़ी भीड़ लग रहा है बाबा, इस बार काफ़ी दूर दराज से हमने बात किया है, लगभग 200 किलोमीटर से लोग आके यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे बाबा? यह मंदिर की जो प्रसिद्धि है, ख्याति है, बहुत दूर दूर तक फैलता जा रहा है। आज मंदिर का मात्र 23 साल हुआ है, लेकिन यह मंदिर पूरे नॉर्थ बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक और आपका करीब मधेसी इलाका जो नेपाल का है पूरा में इनकी प्रसिद्धि फैली हुई है और लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है। आज बल्कि भीड़ कम है, क्योंकि अखिल भारतीय सुनते हैं कि ड्राइवर संघ ने 3 दिन का हड़ताल किया, इसके कारण जगह जगह से लोगों को आने में बाधा हो रही है, गाड़ी आने नहीं दी जा रही है। इस कारण से पिछले साल की भांति आज भीड़ बहुत कम है श्रद्धालुओं का, जबकि बीच बीच में ही रोक दिए गए हैं। जो है आनंद प्रियदर्शी बाबा थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि यहाँ पर जो है काफ़ी दूर दराज से लोग जो है नए साल को लेकर पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर पूरे देश में आज जो है ट्रक चालक के द्वारा वो जो बंद कर दिया गया है सड़क, इससे भी श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि काफ़ी संख्या में लोग जो है सुबह से ही कड़ाके के ठंड के बीच यहाँ पर पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। ऐसे ही खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय भारत।